हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का फुल समरी करेंगे। अनीश यंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिताई। उनके माता और पिता दोनों राइटर थे। अनीश यंग ने अपना करियर एक राइटर के रूप में भारत में शुरू किया। यह पाठ अनीश यंग की पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक अंश है। इसमें वह उन घोर गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती है जो मासूम बच्चों के जीवन को पीड़ा देती है। वह भारत और विदेशों में कई सारे समाचार पत्रों की संपादक रही हैं और उन्होंने कई सारी पुस्तकों को लिखा है। लेखिका की प्रतिदिन साहेब से भेंट होती है। बरसों पहले साहेब बांग्लादेश में अपना घर छोड़कर आ गया था। वह पड़ोस में कूड़े के ढेरों से सोना खंगालने का प्रयास कर रहा होता है। लेखिका साहेब से पूछती है कि वह ऐसा क्यों करता है। साहेब बड़बड़ाता है कि उसके पास करने को और कुछ नहीं है। उसके पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। वह निर्धन है तथा नंगे पैर काम करता है। साहिब जैसे अन्य 10,000 जूते विहीन कूड़े के ढेर में से कबाड़ उठाने वाले हैं। ये लोग दिल्ली के बाहरी किनारे पर सीमापुरी में रहते हैं। वे मिट्टी के घरौंदों में जिन पर टीन या त्रिपाल की छत है, किंतु वे सीवेज, गंदे पानी की नालियों अथवा पेयजल से वंचित हैं। ये अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने वाले वे बांग्लादेशी हैं जो 1971 में यहाँ आए थे। वे पिछले 30 वर्ष से बिना किसी पहचान पत्र या आज्ञा पत्र के रह रहे हैं। वे मतदान के पात्र हैं, यानी वोट देने के पात्र हैं। राशन कार्ड की सहायता से उन्हें अनाज मिल जाता है। जीवित रहने के लिए भोजन पहचान पत्र से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्हें जहाँ कहीं भोजन मिल जाता है वहीं अपने तंबू लगा लेते हैं जो उनके गमन भवन बन जाते हैं। उनमें बच्चे बड़े होते हैं तथा जीवित रहने में भागीदार बन जाते हैं। सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है कूड़े करकट को खंगालना। वर्ष बीतने के साथ कूड़ा करकट में से मूल्यवान वस्तुएं ढूंढना एक कला का रूप धारण कर लिया है। उनके लिए कूड़ा तो सोना है, यह उनकी दैनिक रोटी है तथा सिर के ऊपर की छत। कई बार साहेब कूड़े के ढेर में 1 रुपया अथवा 10 रुपये का नोट पा लेता है, तब अधिक पाने की आशा होती है। कूड़े करकट का उनके लिए उनके माता पिता की समझ से अलग अर्थ है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए यह जीवित रहने का साधन है। सर्दी में एक प्रातःकाल लेखिका साहेब को पड़ोस के एक क्लब के कांटेदार बार लगे द्वार के पास खड़ा पाती है। वह 2 नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। वे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। साहेब को यह खेल अच्छा लगता है, किंतु वह इस बार के पीछे खड़े रहकर देखने से ही संतुष्ट है। साहेब किसी के त्यागे यानी फेंके हुए टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और शॉर्ट्स पर अजीब लगते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर चला हो, छेद वाला जूता भी एक स्वप्न के सत्य होने जैसा है, किंतु टेनिस उसकी पहुँच से बाहर है। इस प्रातःकाल साहेब दूध की दुकान की ओर जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है। वह एक चाय की दुकान पर काम करता है। उसे 800 रुपये तथा उसके तीनों समय का भोजन मिलता है। साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। उसके चेहरे से चिंतामुक्त दिखना गायब हो गया है। चाय की दुकान में काम करके वह प्रसन्न प्रतीत नहीं होता। लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, यानी मैं कार चलाना चाहता हूँ। फिरोजाबाद में लेखिका की मुकेश से भेंट होती है। उसका परिवार
चूड़ियाँ बनाने में लीन है, किंतु मुकेश स्वयं अपना स्वामी बनने की जिद पर डटा हुआ है। वह घोषणा करता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। वह कहता है, मैं कार चलाना सीखूंगा। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त है। परिवारों ने भट्टियों के सामने काम करते हुए, शीशे को जोर लगाते हुए, स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं। उनमें से कोई भी यह नहीं जानता कि मुकेश जैसे छोटे बालक के लिए उच्च तापमान वाली शीशे की भट्टी पर वायु एवं प्रकाश रहित तंग कोठरी में काम करना अवैध है। वे दिन के प्रकाश के पूरे समय कठोर परिश्रम करते रहते हैं, प्रायः अपनी आँखों की चमक खो बैठते हैं। यदि कानून को कठोरता से लागू किया जाए तो यह मुकेश तथा उस जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से मुक्त कर देगा। वे बदबूदार तंग गलियों से, जो कूड़े करकट से भरी पड़ी हैं, उन घरों के समीप से गुजरते हुए जाते हैं जो ढहती हुई दीवारों, अस्थिर लटकते हुए दरवाजों एवं खिड़की रहित तंग कोठरियां मात्र हैं। यहाँ मानव तथा पशु एक साथ निवास करते हैं। वे आधी निर्मित एक फूहड़ झोपड़ी में पहुँचते हैं। इसके एक भाग में सूखी घात की छत लगी है। एक कमज़ोर नवयुवती लकड़ी के चूल्हे पर शाम का भोजन बना रही है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है तथा 3 पुरुषों की देखभाल करने वाली है, उसका पिता मुकेश तथा उनका पिता। पिता एक निर्धन चूड़ियाँ बनाने वाला है। वर्षों तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में तथा फिर चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में वह एक मकान को पुनः बनाने तथा अपने दोनों बालकों को विद्यालय भेजने में असमर्थ रहा है। जो कुछ वह उन्हें सिखा पाया वह वही है जो वह जानता है, चूड़ियाँ बनाने की कला। मुकेश की दादी ने चूड़ियों के शीशों की पॉलिश करने से उड़ी धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। वह कहती है कि यह उसका भाग्य है। उसका निहित अर्थ है कि प्रभु द्वारा प्रदान की गई वंश परंपरा नहीं तोड़ी जा सकती। वे चूड़ी निर्माताओं की जाति में उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने विभिन्न रंग की चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं देखा है। लड़के तथा लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन शीशे के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों के वृत्त यानी सर्किल बनाते हैं। वे अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दियों की टिमटिमाती हुई लौ की पंक्तियों के आगे काम करते हैं। उनकी आँखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे में अधिक अभ्यस्त है। व्यस्क होने से पहले ही प्रायः वे कई बार अपनी आँखों की ज्योति खो देते हैं। फीकी गुलाबी पोशाक पहने हुई एक युवा लड़की सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है। वह शीशे के टुकड़ों को टांके लगा रही है। उसके हाथ किसी मशीन के चिमटों की भांति मशीनी रूप से चलते हैं। शायद वह उन चूड़ियों की पवित्रता के विषय में नहीं जानती जिनको बनाने में वह सहायता करती है। उसके पास बैठी स्त्री ने जीवन पर्यंत एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया है। उसका पति लहराती हुई दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति है। वह चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। उसने परिवार के निवास हेतु एक मकान बनाया है। उसके सिर पर छत है। फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है। परिवारों के पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। उनके पास इतना धन नहीं है कि चूड़ियाँ बनाने के धंधे को जारी रखने के लिए अतिरिक्त कोई अन्य काम कर सके। वे उन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं जिन्होंने उनके पिता तथा दादा परदादा को जाल में फंसाया था। वर्षों तक मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने उनके पहल करने की सभी भावनाओं तथा स्वप्न देखने की सामर्थ्य को समाप्त कर दिया है। वह किसी सहकारी संस्था में संगठित होने के अनिच्छुक हैं।
उन्हें भय है कि पुलिस द्वारा उनको ही अवैध कार्य करने के लिए पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा तथा कारागार में डाल दिया जाएगा। उनके मध्य कोई नेता नहीं है, कोई भी उन्हें वस्तुओं को पृथक रूप से देखने में सहायता नहीं करता। वे सब थके हुए प्रतीत होते हैं। वे गरीबी, उदासीनता, लालच तथा अन्याय की बातें करते हैं। दो अस्पष्ट संसार दिखाई देते हैं, एक गरीबी में फंसे परिवार जो कि बोझा ढो रहे हैं उस कलंक का जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है, दूसरे महाजनों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों तथा राजनीतिज्ञों का दुष्चक्र। उन्होंने एक साथ मिलकर बच्चे पर इतना भार लाद दिया है कि वह इसे नीचे भी नहीं रख सकता। वह उसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने किया था। कोई अन्य काम करने का अर्थ होगा साहस करना, तथा साहस करने का उनके बड़े होने में कोई हिस्सा नहीं है। लेखिका को तब प्रसन्नता होती है जब वह मुकेश में इसकी चमक देखती है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।